वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं या आपके सिलेबस में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका डॉक्टर एस एम शुक्ला का जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन से, उससे मैं क्या कर रहा हूँ आपका सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का ऑलरेडी मैंने वीडियो क्या किया है, बना दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। वो जो आपका क्वेश्चन है वो सिन्हा कॉमर्स क्लासेस जो चैनल है आप उस पे जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स वाला, उसमें क्या है क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक का आपका प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन क्या है अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 5, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमेशा मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहला हम लोग का इंटेंशन ये होगा कि क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ता है और क्वेश्चंस सॉल्व करना क्या करता है स्टार्ट कर जाता है और बाद में पता लगता है कुछ आपका क्या हो गया, मिसिंग हो गया, कुछ आपका क्या हो गया, गलती हो गया। तो सबसे पहला हम लोग का इंटेंशन होगा क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे। अगर क्वेश्चंस आप समझ गए इसका मतलब 60-70% काम आपका कंप्लीट हो चुका है, बस वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, क्वेश्चंस मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से क्या करते हैं समझते हैं। मैं आपके सुविधा के लिए क्वेश्चंस को क्या किया हूँ बोर्ड पे लिख दिया हूँ, क्योंकि एक तरफ क्वेश्चंस रहेगा एक तरफ सॉल्यूशन होगा तो आपको समझने में क्या होगा आपका आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, रमन द प्रोप्राइटर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ऑनर कौन है आपका, रमन। कौन है, रमन। और रमन का 2 डिपार्टमेंट है, जे और के, राइट। कितने डिपार्टमेंट है, जे और के, और इसके अलावा आपका 3 और भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी टोटल जो आपका रमन है उसके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 5। कितने डिपार्टमेंट्स है, 5। तो आपका पहला हुआ जे और के, और इसके अलावा और कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिपार्टमेंट्स। लेकिन हमको पांचों डिपार्टमेंट्स का आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकालना नहीं है, हमको सिर्फ किसका निकालना है, जे और के का, राइट। और देखिए आपका 31 मार्च 2016, यानी आपका एक मंथ का डेटा है, कितने मंथ का डेटा है, एक मंथ का, 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016, राइट, यानी एक मंथ का डेटा दिए हुए है किसका, आपका जे और के डिपार्टमेंट्स का, राइट। उसके बाद बोलता है, ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक ऑन 31 मार्च कुड नॉट बी वैल्यूड। देखिए आपका जो स्टॉक होता है ना 31 मार्च, यानी कौन सा, क्लोजिंग वाला, कौन सा, क्लोजिंग वाला, क्योंकि 1 मार्च ओपनिंग होगा, 1 मार्च 2016 ओपनिंग और 31 मार्च 2016 क्या होगा, क्लोजिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक मंथ का डेटा है, राइट। तो 31 मार्च वाला जो है आपका स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूड नहीं हो पाया, नहीं पता लग पाया कि क्लोजिंग स्टॉक आखिर कितना है, राइट। उसके बाद बोलता है बट हिज रेट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट विदाउट रिफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन सेल्स फॉर द 2 डिपार्टमेंट्स 40% और 30%। बोल रहा है कि आपका जो सेल्स है, सेल्स का 40% डिपार्टमेंट जे में क्या क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स का 30% आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट किसका, के का, राइट। लेकिन ये जो आपका 40% 30% जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला गया है सेल्स पे, उसमें कुड नॉट, सॉरी, कैलकुलेटेड विदाउट रिफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो प्रॉफिट 40% 30% निकाला गया सेल्स का, उसमें आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया गया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया गया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली किसमें जाता है आपका, ट्रेडिंग के डेबिट में, किसमें जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में।
लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब आप पूछेंगे क्यों, इसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि यहां पे साफ लिख दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना आपका, उसमें आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किया गया है। ट्रेडिंग में जाना चाहिए था, ट्रेडिंग में नहीं गया, तो फाइनली कहां डालेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाता, ट्रेडिंग के डेबिट में। लेकिन ये लिख दिया ना कैलकुलेट विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अरे भैया कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ट्रेडिंग में डाला गया, तो कहां डालेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे तो आपका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो डिपार्टमेंटल का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस है वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे ट्रेडिंग में डालें चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें, राइट। इसका आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, एज पर क्वेश्चन मेरे को काम करना है। उसके बाद बोलता क्या है आपका, जे और के डिपार्टमेंट स्टॉक, देखिए यहां पर दिया हुआ है 1/3/2016 और यहाँ पर क्या है 31 मार्च 2016, मैं बोल रहा हूँ ना एक मंथ का डेटा है, 1/3/2016। जे का जो आपका ओपनिंग स्टॉक है 9000, इसका कितना है 8400, परचेजेज है 27000 और कितना है 21600, फिर सेल्स कितना है 42000 और इसका कितना है आपका के का 36000, और डिपार्टमेंट जे का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 5490 और इसका कितना है 8520। तो यही जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ये आपका कायदे से कहां जाना चाहिए था, ट्रेडिंग के डेबिट में, लेकिन ये कहां जाएगा आपका पीएल के डेबिट में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरा लिख दिया है कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में शामिल किया नहीं गया है, तो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, तो फाइनली कहां जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहीं ना कहीं तुमको दिखाना है, राइट। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, ये आपका एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे। बोलता क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट, देखिए लिख दिया कितने डिपार्टमेंट्स है टोटल, 5 डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट है टोटल, 5 डिपार्टमेंट्स, तो 5 डिपार्टमेंट्स का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कितना है आपका 10800 यानी 10800। उसके बाद बोलता है विच आर टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन डिपार्टमेंट, प्रोपोर्शन टू डिपार्टमेंट इन सेल्स, यानी ये जो आपका 10800 है ना इसको किस रेशियो में बांटना है मेरे को, सेल्स रेशियो में, कौन सा रेशियो में, सेल्स रेशियो में। लेकिन एक्सेप्ट मतलब क्या हुआ, छोड़ के एज द 1/6 यानी 1/6 जो है विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, यानी 1/6 है उसको हम लोग कैसे बांटेंगे आपका इक्वली, यानी 10800 का 1/6 फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे बांटेंगे इक्वली, और बाकी जो अमाउंट बचेगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो में। तो दो डिपार्टमेंट का तो सेल्स पता है, जे का और के का, और बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है सेल्स फॉर रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स वेर कितना 1,02,000, कितना 1,02,000। मैं आशा करता हूँ ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल को क्या करेंगे, वर्टिकल में नहीं देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे ना इस तरह से, तो आपको क्या होगा सारी चीजें अच्छे ढंग से दिखाई पड़ेगी, राइट। तो चलिए ये क्या था, पूरा मेरा क्या था इन्फॉर्मेशन था, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या किया हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्किंग नोट्स जो कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं और तुरंत बना देंगे क्या, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कोई भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं आपका, वर्किंग नोट्स, राइट। अब देखिए वर्किंग नोट्स सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोई इनडायरेक्ट वाला ही करना है, उसके बाद कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट, देख लीजिए जे डिपार्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कौन सा हो गया आपका, जे डिपार्टमेंट। तो देखिए सेल्स का बोल रहा था ना, जेस लिख देते हैं बस अच्छा रहेगा, जेस डिपार्टमेंट है ना, तो आपका क्या हुआ ध्यान से देखिए, सेल्स कितना है आपका 42000, सेल्स कितना है 42000 और 42000 का कितना 40%, कितना मिला हो गया 40%, तो इसका निकालेंगे अभी हम लोग उसी तरीका से। फिर किसका निकालेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, किसका निकालेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कौन है, केश है ना,
केस डिपार्टमेंट लिख देते हैं, के भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन केस मतलब जे का और के का, ठीक है। तो आपका इसका देख लीजिए कितना है सेल्स, 36,000, कितना है इसका 36,000 का कितना परसेंट बोलता है, 30%, कितना परसेंट, 30%। तो देखिए दो सुन्ना से दो सुन्ना कट गया। अब हम लोग कैलकुलेटर का सारा लेके तुरंत निकाल देते हैं, राइट, हो गया आपका 42,000 है ना, 42,000 का कितना 40%, कितना आ गया 16,800, कितना आया 16,800, और इसका हो गया आपका 36,000 का कितना 30%, 36,000 का 30%, 10,800 कितना हो गया इसका 10,800, राइट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या किया फाइंड आउट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ जेस डिपार्टमेंट 16,800 और इसका कितना हो गया 10,800 अकॉर्डिंग टू आपका क्या बोलता है परसेंटेज के द्वारा सेल्स पर, राइट। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या निकालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तुम्हारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, अब हम लोग क्या निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो सबसे पहले क्या बोलता है टोटल अमाउंट कितना 10,800, 10,800 का 1/6 कैसे बांटेंगे हम लोग, आप कैसे बांटेंगे इक्वली, तो लिखेंगे पहले क्या 1/6 ऑफ रुपीज कितना 10,800, तो आपका 10,800 का 1/6 निकालेंगे ना, 1/6 ऑफ दी इतना कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, आपका हो गया कितना 10,800 को भाग कितना से करते हैं 6 से, तो कितना है मेरा 1800, कितना है मेरा 1800, और जो 1800 आया उसको कैसे बांटेंगे हम लोग इक्वली, कैसे बांटेंगे इक्वली, तो आपका इच डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपका 1800 आया ना 1800, और टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितना था 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट, तो आपका कितना हो जाएगा 1800 और आपका भागा कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कितना हुआ 360, यानी हर डिपार्टमेंट का 360 360 360 360 360, हर डिपार्टमेंट जो 5 डिपार्टमेंट है सबका कितना कितना होगा आपका 360, ठीक है। अब बताइए रिमेनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बचा, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे रिमेनिंग कितना बचा देख लीजिए, टोटल था मेरा 10,800, राइट, तो 10,800 में कितना मेरा माइनस हो गया 1800, कितना हो गया 1800, तो फाइनली कितना बचेगा मेरा 9,000, कितना बचेगा 9,000, राइट, 10,800 में कितना माइनस हो गया मेरा 1800, तो फाइनली कितना बचा मेरा 9,000, और 9,000 जो है ना इसको किस रेशियो में निकालेंगे सेल्स रेशियो में, किस रेशियो में सेल्स रेशियो में, तो देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स रेशियो, राइट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, तो लिखेंगे सबसे पहले जे, यहां पे लिखेंगे हम लोग के, और यहां लिखेंगे थ्री डिपार्टमेंट्स, राइट, कौन लिखेंगे हम लोग थ्री डिपार्टमेंट्स, तो देख लीजिए जे का सेल्स कितना देख लीजिए 42,000, कितना है 42,000, इसका कितना है आपका के का 36,000, राइट, और उसके बाद थ्री डिपार्टमेंट्स का कितना देखिए दिया हुआ है 1,02,000, मैं आशा करता हूं आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1,02,000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे, तो 3 0 कॉमन है तो 42 36 102, चलिए और कटेगा देख लेते हैं, 42 भागा कितना कर दें 6, तो आपका हो गया कितना 7, 6 6 36 हो जाएगा, और 102 भागा कितना करें हम लोग 6, तो 17 आ गया जी, राइट, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 7 और 6 कितना हो गया आपका 13 13 7 कितना हो गया 17 कितना हो गया 30, तो 7/30 6/30 और 17/30 में क्या करेंगे हम लोग
बांट देंगे बाकी का जो 9000 था उसको, ठीक है। कितना? 7/30, 6/30 और 17/30। तो देखिए हम यहाँ पे बांटते हैं, तो जगह का कमी है, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। तो हमको निकालना है क्या, जेएस डिपार्टमेंट, राइट। जेएस डिपार्टमेंट का देख लीजिए कितना है आपका, 9000 है ना, तो आपका हो गया 9000 इंटू कितना, 7/30, राइट। उसी तरीका से इसका भी हम लोग कर ही लेते हैं, चलिए आपका कर लेते हैं, 9000 हुआ ना, 9000 गुना 7 और भागा कितना 30, तो आपका कितना आ गया 2100। कितना आ गया आपका, ये सब करेंगे तो कितना जाएगा मेरा 2100, ठीक है। उसके बाद जे, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट था मेरा, केस डिपार्टमेंट। तो केस डिपार्टमेंट का देख लीजिए कितना 9000 है ना, तो 9000 इंटू कितना करेंगे 6/30, 6/30, राइट। कितना करेंगे 6/30, तो आपका हो गया 9000 का कितना हो गया आपका 6 और भागा कितना हो गया मेरा 30, तो कितना आया 1800। कितना है आपका 1800, यानी आपका जो हो गया जे डिपार्टमेंट का 2100 9000 में, ठीक है, और उसमें कितना हो गया आपका 1800, किस में 9000 में। तो टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, देखिए आपको मैं आशा करता हूं दिखाई पड़ रहा होगा, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो गया ना, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कौन सा जे डिपार्टमेंट, कौन सा जेस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया जे का, देखिए सबसे पहले आपका कितना आया था 360, सबसे पहले कितना आया था 360 प्लस 360 और प्लस कितना हो गया जे का 2100, कितना हो गया मेरा 2100। तो इसका कितना हो गया आपका 21 और 4 कितना हुआ 24, 2460, राइट। कितना हो गया आपका 21 और 3 2460, किसका आपका हो गया जे का। उसी तरीका से इसका निकाल दें, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कौन सा है, केस है ना, केस थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, केस डिपार्टमेंट। तो देखिए केस डिपार्टमेंट का कितना 360 और प्लस कितना आपका हो गया 360 प्लस कितना हो गया आपका, यहाँ है ना 1800, 360 प्लस कितना हो गया 1800, तो इसका हो गया 18321 यानी 2160। कितना हो गया इसका 2160, 18321160, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा फाइनली आ गया 2460 और इसका कितना हो गया 2160। अब बस कुछ करना नहीं है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करेंगे, जितना भी कैलकुलेशंस किए हैं डेटा को फिट कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट और आपका नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी तक क्या किए आप, जल्दी से इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं तुरंत इसका क्या करता हूँ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ किसका, रमन, राइट। मैंने फॉर्मेट पहले से बना लिया है, इससे आपका टाइम क्या होगा बचेगा। तो ध्यान से देखिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर किसका है, रमन, तो रमन लिख दिए जी। उसके बाद फॉर द ईयर या फॉर द मंथ भी लिख सकते हैं, एक मंथ का है ना, तो आपका फॉर द मंथ भी लिख सकते हैं और ईयर भी, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडिंग, आपका साल का अंत तो 31 मार्च 2016 है, तो 31 मार्च 2016, और देखिए पार्टिकुलर्स डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंट के, उसके बाद पार्टिकुलर्स डिपार्टमेंट जे और के, ध्यान रखिएगा एक कॉलम और बनेगा, किस इसका टोटल का, किस इसका टोटल का, मैं टोटल का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि क्या होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे टोटल का कॉलम क्या करेंगे बना लेंगे, राइट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जो डेटा है हम क्या करेंगे भरेंगे, कुछ मैंने भरा, देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना 9000 और 8400, टू ओपनिंग स्टॉक 9000 और कितना हो गया 8400, फिर मेरा क्या सेल्स 42,000 और कितना है 36,000, उसके बाद परचेजेस
परचेज देखिए कितना है 27,21,600 राइट। यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है, ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है, स्टॉक ऑन 31 मार्च कुड नॉट बी वैल्यूड, यानी क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है। नहीं पता नहीं रहने दीजिए, हमको तो ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट किसका कितना कितना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे लिख देंगे, क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे जी, क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट क्या किया है निकाला है ना, अभी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, इसके पहले एक बार फिर से जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। 42,000 का कितना 40% ना था, कितना 16,800, तो कितना हो गया 16,800, और इसका कितना था आपका 36,000 का कितना परसेंट 30%, तो कितना हो गया आपका 10,800 राइट। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक मेरे को क्लोजिंग स्टॉक देता था तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस करके निकाल लेते थे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो क्या क्लोजिंग स्टॉक देता था तो ये सेल्स क्लोजिंग स्टॉक जोड़ के ये सब घटा के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो बैलेंस करके क्या निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी एक ही आइटम क्या करेगा मिस करेगा, आप बैलेंस करके निकाल लीजिएगा, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, सेल्स हो या क्लोजिंग स्टॉक, बस एक आइटम मिस करेगा बैलेंस करके क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग उसका जल्दी से क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, कितना हो गया मेरा 9,027,000, 16,000 कितना हो गया मेरा 800, ये कितना हो गया मेरा 52,800 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 52,800, इसमें कितना घटा दें हम लोग 42,000 राइट, तो आपका 10,800 राइट, क्या आया मेरा 10,800, ये मेरा क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर्स, क्या लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर्स, बैलेंस करके निकाले ना तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट हो गया राइट। अब इसका निकाल लेते हैं, कितना लिख लीजिए 8,400 प्लस 21,600 और प्लस कितना हो गया 10,800, ठीक है 10,800 कितना हो गया मेरा 40,800, ये भी कितना हो जाएगा 40,800, 40,800 में कितना घटा दीजिए 36,000 राइट, तो कितना आ गया आपका 4,800, इसका क्या निकल गया आपका क्लोजिंग स्टॉक किसका जे का और के का राइट। अब देखिए ये जो आपका प्रॉफिट आया है ना इसको क्या लिखते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिख देंगे ना, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है कहां ट्रांसफर होकर चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आया है ट्रेडिंग अकाउंट से, कहां से आया आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया देख लीजिए आपका 16,800 और इसका कितना हो गया 10,800, कितना हो गया 10,800 ठीक है, तो आपका लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे टू आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं बोल रहा हूं ना कि आपका ऊपर में आपका नहीं लिखा गया तो फाइनली कहां लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में, ऐसा रूल नहीं है आपका डायरेक्ट कहां लिखाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, लेकिन बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना उस सेल्स पे जो कैलकुलेट किया गया है विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे, तो आपका ट्रेडिंग में दिखा के कहां दिखाएंगे पीएल में, आंसर में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है, तो कितना लिख देते हैं देख लीजिए आपका 5,490, तो लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट, क्या लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लीजिए 5,490 और उसका कितना है 8,520 राइट, 8,520, उसके बाद कौन सा है मेरा टू इनडायरेक्ट, टू कौन सा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हम तुरंत कैलकुलेट किए थे, मुझे पता नहीं है मैं तुरंत क्या करता हूं उसको लिखता हूं, हाँ जी
मैंने क्या किया है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी मैंने कैलकुलेट किया था 2460 जे का और आपका क्या बोलता है 2160 किसका के का मैंने लिख दिया। उसके बाद और भी कोई डाटा लिखाएगा नहीं लिखाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 16800 यहाँ पे कितना लिखेंगे 16800 राइट। अब देखिए 16800 में हम लोग लेस कर लेंगे कितना 5490 है ना, 5490 उसके बाद कितना है आपका 2460 इसका कितना हुआ 8850। तो आपका आया क्या टू आपका नेट प्रॉफिट, टू आएगा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा 8850 राइट। उसके बाद देख लीजिए इसका 10800 इसका भी कितना हो गया मेरा 10800 राइट। तो आपका 10800 में क्या करें लेस कर देंगे 8520 और 2160 इसका कितना आया 120 कितना आया 120। तो आपका जो है के डिपार्टमेंट का जो आया 8850 और इसका कितना आया है जे का 8850 और के का कितना आया 120। और यहाँ पे लिख देंगे क्या ट्रांसफर टू ये कहाँ ट्रांसफर को चला जाएगा जर्नल पीएल अकाउंट में, कहाँ जर्नल पीएल अकाउंट में, ये ट्रांसफर क्या हुआ था डिपार्टमेंटल पीएल और ये कहाँ चला गया जर्नल पीएल अकाउंट में राइट। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन के क्या हो गया तैयार हो गया। इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या किया कंप्लीट कर दिया। आने वाले वीडियोस में 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्लास 11, 12 बीकॉम सारे वीडियोस का प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो से मेरे चैनल से क्या करेंगे जुड़े हुए रहेंगे। आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।